अच्छी चीजें बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं। अब हम इस कार्यक्रम के एक अंत में आ गए हैं। पुष्कर भैया के बारे में जब हम सोचते हैं कभी तो मेरा हृदय श्रद्धा से भर जाता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उन दिनों की मैं याद करता हूँ। मैं तो एक बालक था और पुष्कर भैया हमारे नेता हुआ करते थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के चुनाव में खड़े हुए और वो वामपंथियों का गढ़ रहा है, दुर्भाग्य से चार वोट कम मिले थे, लेकिन ये इन्होंने कभी भी इस बात का बुरा नहीं माना और हमेशा लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। खैर ये बात यहाँ समाप्त हो जाती है, पर मेरा हृदय और श्रद्धा से तब भर जाता है जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सचिव के रहे हैं। गोविंदाचार्य, आप में से शायद कम लोगों को ये सौभाग्य मिला होगा, पर मैं उन सौभाग्यशालियों में हूं। गोविंदाचार्य जैसे बड़े नेता के, जिन्हें ये कहते थे कि तुम भविष्य हो भारत, मुझे ऐसे पुष्कर भैया को देखने का सौभाग्य मिला है। पर पुष्कर भैया, मेरा श्रद्धा से हृदय तब और भर जाता है जब पुष्कर भैया दिल्ली की वो सत्ता की चकाचौंध छोड़ के जिगना के इस गांव में आके बैठ के आप सबके लिए अपने आप को संघर्षशील बनाए हुए हैं। ये हीरा है, आप ऐसे हीरे को संभाल के रखिए। मेरा आप सभी से यही निवेदन है। और पुष्कर भैया से हमें ये कहना है कि उपेंद्र नाथ कृष्ण का एक शेर है, उसको थोड़ा मैं बदल रहा हूँ। जब एक कदम जानिबे मंजिल की ओर बढ़ेंगे आप हरदम, जब मुश्किल में मुसीबत आपके दर आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले पुष्कर भैया के बाल सखा कैप्टन साहब को, आप सभी आए हुए आगंतुकों और अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आवाज देता हूँ। आदरणीय पुष्कर भैया, अरे आदरणीय कैप्टन साहब, सबको प्रणाम। बड़ों को, छोटों को, मित्रों को, सबको यथायुग। आश्रम परंपरा के इस पहली चौपाल में आए हुए सभी अतिथि जो मंच पर हैं और जो मंच के सामने से हो, उन सबों को मैं अभिनंदन करता हूं। मैं सबका आभारी हूं, आपने अपना समय दिया है। मैं आपसे आशा करता हूं कि जो कुछ विचार यहाँ आपने सुने हैं, समझे हैं, उसको आप आगे बढ़ाएंगे। आपकी उपस्थिति से हमको बल मिलता है, आपकी उपस्थिति आगे भी रहेगी और आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग इसको सफल बनाएगा। इस आयोजन आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी आए हुए आगंतुकों का से ये निवेदन करता हूं कि आप प्रकाश पुंज के लिए दीप जलाएंगे और स्वल्पाहार लेके जाएंगे। आश्रम व्यवस्था आत्मनिर्भरता को जन्म देती है और आजकल आत्मनिर्भरता का जोर है। मेरे लिए तो आत्मनिर्भरता का तात्पर्य यही है कि जब सुदूर गोंडा के किसी गांव में बैठा हुआ लड़का जटाट वी गलत जलल प्रवाह पावित स्थले गाता हुआ भारत में बना हुआ लैपटॉप लेकर विश्व की सबसे बड़ी मंडी में अपना बाजार में अपना सामान बेचेगा, उस दिन भारत को मैं सही अर्थों में आत्मनिर्भर मानूंगा। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद।